नमस्कार साथियों, मैं विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा की मार्केट के ऊपर और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राहुल त्रिपाठी जी। नमस्कार। तो आज हम मिलके दोनों लोग आपको बताएंगे कि ग्रेटर नोएडा की मार्केट का सिनेरियो क्या है, आज का स्टेटस क्या है, पीछे क्या रहा है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, उन सारी चीजों पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि हम अलग अलग लोकेशन पर जाके अलग अलग सेक्टरों की अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते रहें। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो राहुल जी, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा मार्केट की जी। तो आज की क्या स्थिति है उसके बारे में हम एक बार बात करेंगे, हमारे दर्शक जाना जा रहे हैं तो एक बार बताएंगे कि आज का क्या मार्केट स्टेटस है, क्या रेट चल रहे हैं, किन सेक्टरों में डिमांड ज़्यादा है, किन सेक्टरों में सेल परचेज आज की डेट में अच्छी हो रही है जी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ग्रेटर नोएडा का ये रेजिडेंशियल एरिया जो है अल्फा वन बीटा वन गामा वन, अल्फा टू बीटा टू गामा टू एंड डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, ये सबसे प्राइम लोकेशन है ग्रेटर नोएडा की। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं इस साइड, तो इस परी चौक की तरफ हम अगर हम ध्यान देते हैं तो परी चौक की तरफ सबसे जो प्राइम एरिया है ये एनआरआई सिटी का एरिया है। एनआरआई सिटी और स्वर्ण नगरी, ये दो जो लोकेशन है सबसे प्राइम है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली लोकेशन स्वर्ण नगरी और परी चौक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको, ये आपका स्वर्ण नगरी है। स्वर्ण नगरी सबसे ज़्यादा डिमांड में रहने वाला सेक्टर है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही साइज हैं पूरे सेक्टर में, 200 मीटर और 288 मीटर, इसलिए यहाँ की जेंट्री के हिसाब से लोग यहाँ पे ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि यहाँ के रेट भी अदर सेक्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो तकरीबन 10 से 20 हज़ार रुपये पर मीटर एवरेज ज़्यादा रहता है यहाँ का। इसी तरह हम आ जाते हैं यहाँ पे अपना एनआरआई सिटी आपका जो है, ये एनआरआई सिटी ओमेगा वन के पास, ये इसलिए सबसे प्राइम लोकेशन है क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला सेक्टर एनआरआई सिटी भी है, क्योंकि इसके जस्ट सामने परी चौक मेट्रो स्टेशन आता है और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड साइज है, मिनिमम 300 गज से स्टार्ट होता है, जो आज की डेट में तकरीबन 1 लाख रुपये गज के हिसाब से इसके प्राइस यहाँ पे हैं और ये अपने आप में सबसे बेस्ट प्राइस होंगे। और अगर आप भी जल्दी से जल्दी परचेज करना चाहते हैं तो दोनों लोकेशन में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, दोनों ही अपने आप में बेस्ट लोकेशन हैं। तो राहुल जी, आज हम बात करेंगे यहाँ पे ये कि 2023 का जो मार्केट सिनेरियो था, मार्केट में जो प्राइस थे जी, 2024 में जी, आज की डेट में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है या बढ़ोतरी हुई है, आज की मार्केट का सिनेरियो क्या है, क्या प्राइस यहाँ पे जो है चल रहे हैं वो एक बार बताएंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस तो पहले से अब में बहुत डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन छोटा मोटा डिफरेंस आया है क्योंकि वो उसके कई सारे रीज़न हैं। क्योंकि एक तरफ यमुना में स्कीम लॉन्च हुई है, उसके कारण से थोड़ा सा मार्केट में स्टेबिलिटी आई है, गिरावट नहीं कहेंगे इसको। अच्छा। और स्टेबिलिटी इसलिए आई है क्योंकि स्कीम में लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, उसके चक्कर में लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन वेट करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां पे सिर्फ 361 प्लॉट हैं जी, बिल्कुल। और 1.5 लाख प्लस एप्लीकेशन अप्लाई हो चुके हैं यमुना में जी, तकरीबन दो लाख एप्लीकेशन अप्लाई हो चुके हैं इसके लिए। 361 प्लॉट हैं टोटल आज की डेट में यमुना में, 2000 प्लॉट और ऐड होने वाले थे बट वो किसी कारणवश नहीं हो पाए, जिससे उसका स्कीम का वो मतलब है नहीं। मार्केट अभी 1-1.5 महीने बाद जैसे ही ड्रा ओपन हो जाएगा तो फिर से बूम आएगा मार्केट में और चीज़ें फिर से उसी रेट्स के उसके ऊपर जाएंगी और आगे जाएंगी चीज़ें। तो 2025 में ग्रेटर नोएडा की मार्केट को कहाँ देखते हैं राहुल जी आप? 2025 में जैसा कि मेरा मानना है कि स्कीम वगैरह लॉन्च होने के बाद, ड्रा होने के बाद, उसके बाद अगर कोई बड़ी स्कीम यमुना अथॉरिटी नहीं लाती है, 10-5 हज़ार प्लॉट नहीं लाती है, तो मार्केट में प्राइस लगभग 1.5 लाख रुपए प्लस होने वाला है अच्छी लोकेशन का, रेजिडेंशियल सेक्टर्स का। यानी कि 200 मीटर जो अबव साइज है उनका लगभग लगभग आप 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का जो है प्राइस देख पाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान के सिनेरियो से हम दे पा रहे हैं, तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन तो दोस्तों जैसा कि राहुल जी ने बताया और एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको दी, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं उसको,
यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। अगर आपके कोई क्वारी है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 999-999-2006। अगर ग्रेटर नोएडा में किसी भी सेक्टर में आप रेजिडेंशियल प्लॉट या अपार्टमेंट देख रहे हैं तो भी हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, सेम नंबर पे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, किसी और वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।